हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है ना? सो गाइस, दिस इज मैं स्केडी, आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया कमाल का तगड़ा वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा मेरा मैप, हाँ, क्राफ्टलैंड में मैंने जो मैप बनाया है वो कैसा है वो मैं आपको दिखाऊँगा। आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। और तो गाइज, चलो बिना बात गुजारे आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्त के साथ। सो चलिए गाइज, बिना बात गुजारे आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्राफ्टलैंड में जाके। सो यहाँ पर क्राफ्टलैंड में यहाँ पर मेरा जो है मैप, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो गाइस, ये आप देख पा रहे हो, ये है मेरा मैप। लेकिन 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 देखने से पहले गाइस, आपको मैं बता देता हूँ कि ये मैप जो है, मतलब मैंने खुद बनाया, किसी को कॉपी नहीं किया, मेरे खुद मतलब पसंदीदा मैप, मतलब मैं जो खुद पसंद करता हूँ वैसे ही मैंने बनाया है। मैं उसी का जो है लुक आपको दिखाऊंगा, आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। और हाँ, इसमें हम कुछ भी खेल सकते हैं, बैटल रॉयल कस्टम भी खेल सकते हैं। और वैसे तो मैंने ये 1v1 के लिए ही बनाया है। और चलो वीडियो देखो पूरा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं आपको यहाँ पर मैप दिखा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है? सो गाइज, यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर जाके मैं थर्ड पर्सन मोड करके मैं आपको दिखाता हूँ और ये सब कुछ ऑफ कर देता हूँ। चलो अब जो है गाइस, अब मैं आपको पहले तो ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है गाइस, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। टडन टडा। सो गाइस, देख पा रहे हो, ये है मेरा मैप जो मैंने बनाया है। तो गाइस, आपको तो लगेगा यार ये कैसा मैप बनाया है तूने, लेकिन गाइस पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस मैप के बारे में, क्यों मैंने बनाया ये, ठीक है? तो गाइस, सबसे पहले इस मतलब कोने से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा एलसेफ का हाउस, जो कि आप देख पा रहे हो एकदम कॉर्नर पे डाला है मैंने। और यहाँ पर एलसेफ का हाउस है और सबको पता ही है कि यार एलसेफ में टावर रहता है, क्योंकि इस ऊपर जो है ऊपर हम जा सकते हैं एलसेफ का इससे करके, ठीक है? टायर से करके ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से जो है गाइस हम चारों तरफ पूरा मैप में जो है नज़र रख सकते हैं, ठीक है? रख दिया। और यहाँ पर जो है गाइस हमारा एक मतलब मैंने इसको डेकोरेट किया है, दो यहाँ पर डबल डोर है यहाँ पर, ठीक है? और दो फाउंटेन लगाया है मैंने और यहाँ पर एक कैन ट्रैश कैन करके, जहाँ पर हम कैन वगैरह फेंक सकते हैं, डस्टबिन, दो गाड़ी मैंने यहाँ पर रखा है और दो ट्रीज मैंने यहाँ पर प्लांट किया है और चारों तरफ बॉर्डर तो आप देख ही पा रहे। और जो है गाइस, ये एक मैंने मतलब बहुत ही सोचा था भाई, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं नीचे करता हूँ। तो गाइस, ये एक टॉयलेट है भाई, टॉयलेट, और टॉयलेट को मैंने मतलब सबको छुपा के ले के लिए यहाँ पर ओवाल भी मैंने यहाँ पर दिया है, आप देख पा रहे हो। बताना आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा भाई, टॉयलेट घर में ज़रूरी है गाइस इसीलिए। और ये जो है हमारा दूसरा पॉइंट है, यहाँ से हम गेम में एंटर कर सकते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर लगाया है। और एक और तो मैं आपको दिखाना भूल गया, यहाँ पर मैंने एक और एंट्री पॉइंट लगाया है। और जो गाइस साइड में बात करते हैं, यहाँ पर मैंने एक और हाउस लगाया है, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर भी गाइस वही सेम मैंने एक टॉयलेट यहाँ पर लगाया है। और ये जो है एक घर मैंने यहाँ पर भी प्लान किया है, ताकि मतलब थोड़ा सा यार देखने में अच्छा लगे। एक ये छोटा घर है, उसके सामने एक और घर मैंने लगा दिया। और यहाँ पर फिर से डस्टबिन लगाया है। और ये जो है मैंने दोनों वॉल यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि सामने से अगर पड़ेगी तो हम जो है यहाँ पर गार्ड ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जीप फिट किया है। आगे बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो दो हाउस मैंने यहाँ पर लगाया है, और बस टाइनी हाउस है दोनों। और यहाँ पर मैंने जो है दो ऐसा करके डेकोरेशन के लिए बूस लगाया है। और सामने से जो है गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो दो वॉल लगाए, ताकि यहाँ पर जो है हमारा बेस, मतलब यहाँ पर जो है हमारा फील्ड, यहाँ से अगर अटैक करे कोई बंदा तो यहाँ पर हम जो है छुप सकते हैं गाइज बहुत ही आसानी से। और जो है गाइज, आप भी हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला बेस, ये मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि गाइज टावर फाइट एक बहुत ज़्यादा तगड़ा बात है, जो बैटल रॉयल गेम खेलते हैं उनको पता ही होगा। तो गाइज, यहाँ पर मैंने जो है तीन टावर फिट किया है। मैंने सोचा था कि यहाँ पर भी एक टावर फिट करूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि यार बीच में अगर कोई घर नहीं होगा ना तो फाइट का मज़ा ही नहीं आएगा। तो गाइज, यहाँ पर देख पा रहे हो एक टावर है, यहाँ पर भी एक टावर है। इस टावर में एंट्री के लिए गाइज मैंने जो है यहाँ पर एक जो है ये टायर मैंने फिक्स कर दिया, ताकि हम यहाँ से जा सकते हैं यहाँ तक। तो इसको मैं थोड़ा सा और कर देता, ये ठीक है, यहाँ पर मैं फिट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है गार्ड लेने के लिए मैं रखा हूँ, ताकि कोई नीचे आके यहाँ पर सीधा गार्ड ले सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से आके हम टेंट हाउस में जाके छुप सकते हैं।
और टेंट हाउस से भी हम फाइट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर मैंने दो ये बॉक्स का जो है गाइस ऐसा मैंने एक तीन बॉक्स का एक लेयर बना दिया है ताकि हम यहाँ पे गार्ड ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे ही देख पा रहे हो कितना अच्छा मैंने यह बनाया है, आप बताना आपको कैसा लगा। और जो है गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारा मेन पार्ट की तरफ। मेन पार्ट मेरा इस मैप का यही था कि 1v1 जो क्राफ्टलैंड कस्टम जो है कार्ड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस कार्ड से हम जो जब कस्टम खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइज मैं आपको ये तो फिलहाल फर्स्ट पर्सन मोड में दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइज मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जब मैं क्लैश स्क्वाड खेलूँगा 1v1 तो गाइज कैसा सीन होगा। तो गाइज हम यहाँ से जाएंगे अंदर और यहाँ पर मैंने जो है एक डोर की तरह मैंने सेट किया है और चारों तरफ मैंने दीवार लगाया है ताकि साइड में कुछ भी मतलब ना हो, हम गेम पे फोकस कर पाए। और यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा एक जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं उसका कंटेनर मैंने फिट कर दिया ताकि हम अंदर आए तो थोड़ा सा अच्छा लगे भाई देखने को। तो गाइज जैसे हम अंदर आ चुके और पूरा एकदम जो है गाइज खुला फील्ड है। यहाँ पर साइड पे दो कॉर्नर में मैंने जो है ये दो चेरी ब्लॉसम का ट्री जो है मैं लगा दिया है और यहाँ पर साइड में दो जो है गाइज ऐसा हम गार्ड भी लगा दिया ताकि गाइज कभी कभी क्या होता है कि गलती से जो है गाइज दो बंदे आ जाते हैं, ठीक है। वन भी आप वन खेलना चाहते हो लेकिन आप इन्वाइट कर देते हो किसी को और अगर स्टार्ट हो जाए तो बंदा वो यहाँ पे उसको रख सकते हो वो ताकि गेम में पार्ट ना ले। और अगर 4v4 खेल रहे हो तो भी भाई यहाँ पर आप चुप सकते हो, कोई कोई बंदा जो है सर्वाइव करके खेलता है, वैसे मेरा तो एकदम ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जो है गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से आप फाइट कर सकते हो, देख ही पा रहे हो मैंने कैसा बनाया है, आप बताना आपको कैसा लगा। और जो गाइस ये मेरा क्लैश स्क्वाड का मैप है गाइस, आप ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पर क्लैश स्क्वाड मैंने लिखाया है। अब जो है गाइस मैं आपको मैप दिखा देता हूँ एक और बार, ठीक है। तो गाइज आप मैप देख लो, ठीक है, चलो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. So guys, यहाँ पर जो है मैप मैंने आपको दिखा दिया अच्छी तरीके से, आप बताना आपको कैसा लगा। तो मैं मैप को अपलोड करूँगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये वाला मैप है, मोड मैंने क्लैश स्क्वाड रखा है, लोड आउट सिस्टम, ऑब्जेक्टिव मैस्ड करके सब कुछ हो गया है, रिसोर्स वगैरह वगैरह सब देख पा रहे हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिखा है इन एक्साइट ने, मतलब ये फ्री फायर से लिया है। और अपलोड मैं कर देता हूँ, ओनली वन अपलोड क्या बोल रहे हैं अलाउड इन 60 सेकंड। तो गाइज मैंने ये वाला अपलोड कर दिया है मैप, आप देख पा रहे हो गाइज, आप भी खेल सकते हो भाई। मैं जो है तीन मैप बना सकता हूँ लेकिन उसके लिए डायमंड लगेगा 100 100। तो भाई मैं तो फिलहाल एक मैप बना चुका हूँ और भाई यही है मैप, आप देख लिया कैसा लगा आपको ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट में। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।